मिलन शिविर भक्त महेश्वर से उज्जैन कावड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का पालन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में नंदी के साथ नन्हे मुन्हों को लेकर 11 लोगों की कावड़ धर्मपुरी पहुंचे। बाणगंगा इंदौर के रहने वाले कावड़ियों ने बताया कि उनका यह दूसरा वर्ष है। कोरोना के चलते वह सिर्फ 11 लोग हैं जो मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कावड़ लेकर चल रहे हैं। नन्हे कावड़ियों ने बताया कि वह करीब 20 किलोमीटर की दूरी रोज तय करते हैं। वहीं उनके साथ एक नंदी भी चल रहा है। बताया गया कि विश्व कल्याण व कोरोना से निजात के लिए नंदी भगवान ने यह कावड़ उठाई है। सावेर क्षेत्र के धर्मपुरी में विनोद जायसवाल मित्र मंडल द्वारा कावड़ यात्रियों का स्वागत किया गया, जहां बोल बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्रा आगे बढ़ती गई। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कहां से कहां के लिए कावड़ यात्रा निकली? और हमने महेश्वर से उज्जैन के लिए। कितने लोग कावड़ में आप जा रहे हैं? हम सब लोग कम से कम 10-11 जने लोग। अभी कोरोना महामारी भी चल रही है, तो किस तरह से सुरक्षा के साथ चल रहे हैं? सबके पास मास्क है, सैनिटाइजर वगैरह सब रखा हुआ है और मास्क लगा के चल रहे हैं। दूरी बना के नंदी बाबा भी आपके साथ? हाँ है ना। तो ये उन्होंने विश्व कल्याण के लिए कावड़ उठाई है। अभी जैसे पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है तो कोई को तो पहल करना पड़ेगी, तो क्यों ना अपन। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कितने वर्ष हो गए आपको कावड़ यात्रा करते करते? ये मेरा दूसरा वर्ष। दूसरा वर्ष है। आपका नाम? राजेश जायसवाल। हाँ, क्या नाम है आपका? हर्ष साहू। कहाँ जा रहे हैं आप और क्या कर रहे हैं? महेश्वर से कावड़ लाए उज्जैन। उज्जैन में कहाँ चढ़ाएंगे ये कावड़? महाकालेश्वर। अच्छा, कितने किलोमीटर रोज चलते हैं आप? 20 किलोमीटर। अभी कितने दिन हुए कावड़ यात्रा चलते हुए? अभी हो गए 7 चौथा दिन। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। चौथी। आपका नाम एक बार भी बता दें। नाम बता दो। हर्ष साहू।